रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्राउज़र की जो कटिंग की है, हमने 2 इंच ज़्यादा कटिंग की है। अब हम पहले फोल्डिंग करेंगे इस तरह से। हमने फोल्डिंग की एक सिलाई कर दी है, अब हम दूसरी सिलाई करेंगे। हमने फोल्डिंग कर दी है, हम अब ट्राउजर की डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने स्ट्रिप ली है, 2 इंच वेद में ली है, और लंबाई में हमने जो स्ट्रिप ली है वो हमने पौचे से 2 इंच ज्यादा ली है। इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे और फोल्ड कर देंगे। अब हम स्ट्रिप को फोल्ड करके आयरन से सेट कर देंगे। हम इस तरह हमारी जो सिलाई है वो हम सेंटर में इस तरह रख के आयरन से स्ट्रिप को सेट करेंगे। हमने आयरन से स्ट्रिप को इस तरह से सेट कर दिया है। हमने 3 स्ट्रिप बनाई है, अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमारी फोल्डिंग की सिलाई है, उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप रख के सिलाई करते जाएंगे। हमने इस तरह से एक स्ट्रिप से डिज़ाइन बना दी है, अब हम एक पिनटेक्स लगाएंगे। हम सेम इसी तरह दूसरा भी पिनटेक्स लगाएंगे बराबर में। हमने 2 पिनटेक्स लगा दिए हैं, अब हम सेम पहले वाली डिज़ाइन बनाएंगे स्टिप इस तरह से रख के। हमने स्ट्रिप लगा दी है, हमने सेंटर से 2 इंच स्ट्रिप इस तरह से रखी है सिलाई के बगैर। अब हम इस तरह से टर्न करके सिर्फ सेंटर में एक टाँका लगाएंगे ताकि हमारी नोकों की जो फिनिशिंग है वो ख़राब ना हो। इस तरह से सिर्फ सेंटर में टाँका लगाएंगे।
हमने इस तरह से सेम स्टिप लगा के डिज़ाइन वाली, फिर हमने पिनटेक्स लगाए हैं दो, अब से हम सेम स्टिप लगाएंगे डिज़ाइन वाली इस तरह से। हमने दोनों तरफ इस तरह से सिलाई कर दी है। अब हमने जो सेंटर से ये कपड़ा छोड़ा है, इसको इस तरह से स्क्वायर की शेप देकर पहले नोके बनाएंगे, फिर हम इस नोके को टर्न करके सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे, ये हमारी शेप बन जाएगी। अब हम सेंटर से फिर से एक टाका लगाएंगे। ये हमारी डिज़ाइन बन गई है। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहें तो ये सिंपल भी रख सकती हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ये बटन लगाएंगे। सेंटर में हमने जो डिज़ाइन बनाई है इसके ऊपर इस तरह से रख के हम बटन लगाएंगे। हमने तीन बटन लगा दिए हैं, ये हमारी फाइनल लुक है। आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।